ऐसे में ओमिक्रॉन को लेकर दहशत तो बनी हुई है चारों तरफ, लेकिन भारत में भी तैयारी की जा रही है, लेकिन तब भी लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब आज लेने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। डॉक्टर रंजन, अगर ओमिक्रॉन को लेकर बात की जाए तो ओमिक्रॉन वायरस क्या है, क्योंकि लोगों के मन में एक बात ये तो बैठ चुकी है कि डेल्टा वेरिएंट से बहुत ज्यादा खतरनाक ये है, लेकिन कितना ज्यादा खतरनाक है अभी ये किसी को नहीं पता ढंग से चल पा रहा है। देखिए, अभी इसकी केसेस अभी भारत में अभी तक तो नहीं आए हैं, है ना, तो अभी इसके बारे में बहुत कुछ बता पाना मुश्किल है, लेकिन जैसे वैक्सीन लगी है तो जो सब लोगों को वैक्सीन लगी वो 80% प्रोटेक्शन तो जरूर देती है और इसके अगेंस्ट भी मोस्ट ऑफली वो काम करेगी। एक दो वीक में जब ओमिक्रॉन के और केसेस मिलेंगे, स्टडी ज्यादा होगी, उसकी जेनोमिक स्टडी होगी, ज्यादा आइडिया लगेगा, लेकिन ये इतना तय है कि ये वायरस है और ये उन लोगों को ज्यादा हार्म कर सकता है जिनको पहले से किडनी की बीमारियां हों, लिवर की बीमारियां हों, जिनको हार्ट की बीमारियां हों, जिनका डायलिसिस हो रहा है, ऐसे पेशेंट को जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको ज्यादा अफेक्ट करेगा। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, जिन्होंने वैक्सीनेशन भी दोनों करा रखे हैं, चांसेस बहुत कम है कि उनको अफेक्ट करेंगे, लेकिन उसकी और क्लियर पिक्चर एक दो वीक में ज्यादा। बिल्कुल डॉक्टर रंजन, लेकिन देखिए आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो है करा लिया जिन लोगों ने, उन पर इफेक्ट इतना नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि वैक्सीन भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं करेगी, और ऐसे में बूस्टर डोज की भी बात यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पर अभी इतना ये कितना भी जो वैक्सीन लगी वो इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन तो जरूर देगा और हो सकता है कि 15-20% लोगों में ये अफेक्ट करे वैक्सीन लगवाने के बाद भी, पर इसलिए हमने सारी तरह की सावधानियां अभी भी बरतनी है, अभी भी लोगों से डिस्टेंस बना के रखना है और मास्क पहनना है, हाथ और मुंह समय समय पर धोते रहना है, और जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हों वो अभी अवॉइड करते हैं। वैसे इंडिया में इसके केसेस अभी काफी, अभी नए ओमिक्रॉन के वेरिएंट के केसेस तो नहीं है जी, पुरानी कोविड अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हम सबको सावधानियां बरतनी है। जी बिल्कुल डॉक्टर रंजन, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ये जानना चाहूँगी, अभी देखिए 12 से ज़्यादा देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है और पूरे दुनिया की बात कर ली जाए तो 200 से ज़्यादा मरीज इसके मिले हैं, लेकिन ऐसे में क्या ये स्थिति अभी तक साफ हो पाई है, जितनी स्टडीज़ हुई है इस वेरियंट को लेकर क्या ये पता चल पाया है कि किस एज ग्रुप पर ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा? अभी तक बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको उनको खतरा कम रहेगा, बच्चों पे उतने ज्यादा असरदार नहीं होंगे, एल्डरली जो पड़े बूढ़े हैं या जिनको कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं और जिनका ट्रीटमेंट चल रहे हैं, जैसे कैंसर के मरीज, किडनी के मरीज, लीवर के, इन लोगों को थोड़ी ज्यादा परेशानी आ सकती है, डायबिटिक और हाइपरटेंशन, इन लोगों को मरीज में अगर ये वायरस भारत में पहुंचता है तो इनको दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर रंजन, एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से वैक्सीनेशन भारत में बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन अगर विदेशों की बात की जाए तो विदेशों में जहाँ पर अभी ये वेरिएंट मिल रहा है वहाँ पर बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर 100% वैक्सीनेशन भी हो चुका है, अगर मान लीजिए ये वेरिएंट भारत में आ गया तो किस तरह से फिर इस पर काबू पाया जाएगा, क्योंकि जहाँ पर वैक्सीनेशन हो चुका है वहाँ पर भी बहुत तेज़ी के साथ ये फैल रहा है। अगर ये भारत में आता भी है तो सेकेंड वेव की तरफ इसकी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और हमारी जो हेल्थ टीम है और सरकार है पूरी तरह से सजग है और नजर रखे हुए हैं और एयरफोर्स भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि ये वायरस भारत में कम से कम पहुंचे और आते ही अगर आ भी जाता है उसका पूरा इलाज किया जाएगा, और उसमें जो बेस्ट पॉसिबल है लोगों को, और जो अगर आते भी कुछ मरीज मिलता है उनको अलग अलग की कोशिश ये की जाएगी बाकी लोगों में संक्रमण ना फैले। जी बिल्कुल डॉक्टर रंजन, बस एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगी मैं आपसे कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो चुका है कि अगर ये वेरिएंट भारत में आया तो हम आसानी से काबू पा लेंगे इस पर? बिल्कुल, हमने देखा कि जैसे सारे डेवलप्ड कंट्रीज में अमेरिका चाहे यूके जब उतना कोरोना वैक्सीन के ये वेरिएंट के अगेंस्ट फॉर सेकंड वेव आई तो स्ट्रगल कर रहे थे, भारत में फिर भी काफी हद तक काबू का है और काफी हद तक उनका इलाज करने में सफल रहे थे, और भारत की स्थिति बाकी डेवलप्ड देशों से बेटर थी,
ये कह सकते हैं कि हम बाकी देशों से अच्छे कोरोना का के अगेंस्ट फाइट करने में सक्षम रहे हैं। चलिए ठीक है डॉक्टर रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो ऐसे में भारत में भी अभी दहशत का माहौल बना हुआ है ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर, और ऐसे में डॉक्टर रंजन भी ये जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे कि अभी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उन पर उतना ज़्यादा असर नहीं करेगा, लेकिन जिन लोगों को पहले से कुछ किसी तरह की बीमारियां हैं जैसे किडनी की या लीवर की कोई समस्या है किसी को, उस पर ये ज़्यादा असर कर सकता है। हालांकि अभी इस वेरिएंट को लेकर जिस तरह से ज़्यादा मामले सामने नहीं आए हैं, चाहे वो दुनिया में हो, भारत में तो हालांकि एक भी मामला नहीं है, लेकिन अभी स्टडीज़ अभी इस पर और ज़्यादा होनी है जिससे इस वेरियंट के बारे में और ज़्यादा जानकारी जो है वो मिल सके, ताकि लोगों में जो कोई किसी बात को लेकर भ्रम ना फैले, लोगों में कि पिक्चर जो है इस वेरियंट को लेकर साफ हो जाए कि किस तरह से इससे बचना है और किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है।